मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम ए हेमांगिनी टीचर, आई एम ए ड्राइंग टीचर, समिति इंग्लिश मीडियम स्कूल, उडना, सूरत। आई विल टीच बेसिक लाइंस एंड शेप्स। बोलो। रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज हम लोग खड़े रहते हैं, कौन सी लाइन में आता है वो मालूम नहीं होता, इसलिए वर्टिकल लाइन्स यानी सीधी लाइन, सीधी लाइन को वर्टिकल लाइन्स बोलते हैं। ऑब्लिक लाइन, दौड़ते हो भागते हो प्लेन चलता है वो ऑब्लिक लाइन में जाना जाता है। देखो लाइन, देखो और आराम से घर पे प्रैक्टिस करो। स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जो सोए हुए आदमी को स्लीपिंग लाइन में किया जाता है। स्लीपिंग लाइन यानी सोया हुआ आदमी या सोए हो तुम या कुछ भी जो सोए हुई चीज़ पड़ी है उसको स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। ब्रोकन लाइन, बारिश होती है मानसून की सीजन में बारिश देखते हो पर वो कौन सी लाइन है वो आपको मालूम नहीं है, ये ब्रोकन लाइन है वो मानसून लाइन है। ब्रोकन यानी आधी टूटक टूटक टूटक, बराबर। चलो क्रैश क्रॉस लाइन, क्रैश क्रॉस मालूम है ना, मल्टीप्लाई को क्रैश क्रॉस किया जाता है, जो जहाँ पे डेंजर वे या टूटी फूटी चीज़ रखी है उसको क्रैश क्रॉस लाइन किया जा बोला जाता है, बराबर। जिगजैग लाइन, वेव्स, जो वेव्स पानी का वेव्स स्नेक उसको जिगजैग लाइन में बोला जाता है। ये कौन सा शेप से आपको मालूम है? ये सेमी सर्कल है, सर्कल को आधा किया जाएगा उसको सेमी सर्कल बोला जाता है। ये ज्योमेट्रिकल में आप लोग को आएगा, मैथ्स के ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर ये शेप सब कुछ आता है। सेमी सर्कल को दोनों पार्ट से जॉइंट किया जाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा राउंड यानी सर्कल, बराबर। सर्कल के बाद देखते हैं हम लोग आउल, जो अंडे के आकार में होता है, बराबर। ये जो है वो अंडे के आकार में मिलता है। ओवल शेप, ओवल शेप को बनाने के लिए एल गोला को यानी सेमी सर्कल को थोड़ा खींच के करना पड़ता है आगे या पीछे तो बन जाएगा ओवल, बराबर, समझ में आया। फिर चारों लाइन को एक साथ किया जाएगा तो उसका बन जाएगा स्क्वायर। ए बना दिया, ए स्क्वायर को थोड़ा लंबा किया तो बन जाएगा रेक्टेंगल, बराबर। रेक्टेंगल को ऑब्लिक लाइन को एक साइड ए यहाँ पे, एक साइड ए कोने पे, नीचे स्लीपिंग लाइन, बन जाएगा ट्रायंगल, बन गए शेप। इनमें से बहुत सारे ड्राइंग्स और पिक्चर्स बनते हैं जो हम लोग हर चीज़ में देखते हैं, बराबर है ना बच्चों? देखो ठीक तरह से, उसका ध्यान से ड्रॉ करो और आगे नेक्स्ट मैं नए पिक्चर के अंदर नया प्रैक्टिस वर्क करवाऊंगी जो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट वाला हो और आपके हाथ ज़्यादा मूवमेंट करने लगे वैसा। बच्चों जो ये प्रैक्टिस करवाई है वो घर पे बराबर प्रैक्टिस करना और हर रोज इसका एक पेज कंप्लीट करते रहना, तो आपके हाथ की प्रैक्टिस भी होगी और अच्छी तरह से ड्राइंग कर भी पाओगे। स्टे होम, स्टे सेफ।